हाय एवरीवन दिस इज विरानिका आज को हमारे का टॉपिक हमारा डिस्कशन का स्पुतनिक वैक्सीन पे है रशिया के द्वारा ये वैक्सीन डेवलप की गई है ये साइंटिफिक तरीके से देखेंगे किस तरीके से कोरोना वायरस के ख़िलाफ़ ये लड़ती है और हमको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है ये डिटेल में जानेंगे और इस लेक्चर में हम कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन की भी बात करेंगे कि क्लिनिकल ट्रायल्स कैसे होते हैं वैक्सीन कैसे डेवलप की जाती है और कैसे मार्केट में आती है कैसे उसके बैचेज़ आते हैं ये डिटेल में जानेंगे आपकी कोई भी कन्फ्यूजन हो आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं सोशल मीडिया पर चाहे वो फेसबुक हो इंस्टाग्राम हो टेलीग्राम हो ट्विटर मेल एनी वेयर जो है वो सिर्फ और सिर्फ आपको मेरी टेलीग्राम चैनल पे ही मिलेगा लास्ट के कुछ आई थिंक एट लेक्चर्स हैं मुझे पीडीएफ अपलोड करना है आई विल अपलोड देम टुडे चलिए डिस्कशन शुरू करते हैं अब देखिए स्पुतनिक वी वैक्सीन के लिए है ये ये कोविड नाइन्टीन के खिलाफ किसने डेवलप किया है रशिया ने जैसे मैंने आपको बताया और अब करंट अफेयर क्या है कि इसको क्लियर कर दिया है इमरजेंसी यूज़ के लिए जो ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया हैं उन्होंने इंडिया में इसके यूज़ के लिए क्लियरेंस जो है वो दे दी है तो इसके बाद ये थर्ड वैक्सीन बन जाती है इंडिया में जिसको यूज़ किया जाएगा इससे पहले कौन सी कौन सी थी कोवैक्सिन और कोविशील्ड कोविशील्ड थी उसको डेवलप किया था सिरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने और कोवैक्सिन को किसने प्रोड्यूस किया था भारत बायोटेक ये चीज़ें आपको याद रखनी है उसके बाद देखिए जो स्पुतनिक है इसको किसने डेवलप किया है द गमालिया नेशनल सेंटर ऑफ एपिडेमियोलॉजी एंड माइक्रोबियोलॉजी इज़ वर्ल्ड लीडिंग रिसर्च इंस्टीट्यूशन ये रशिया में है इसने इस जो स्पुतनिक वैक्सीन है इसको डेवलप किया है और इसका जो नाम है स्पुटनिक ये किसके नाम पे रखा गया है रशिया की सोवियत की इनफैक्ट उस टाइम सोवियत था उसकी फर्स्ट स्पेस सैटेलाइट जो थी उसके नाम पे इसको रखा गया है और इस सैटेलाइट के लिए माना जाता है कि एक तरह का री uh, किया था स्पेस रिसर्च को उस वक्त 1957 में जब इसको लॉन्च किया गया था और एक स्पुटनिक मूवमेंट जो है ग्लोबल कम्युनिटी में वो क्रिएट हुई थी तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है रशिया के लिए इसने इसलिए उन्होंने इस वैक्सीन का नाम अपनी स्पेस मिशन पे जो स्पेस सैटेलाइट थी उस पर रखा है अब ये जो सेंटर है यहाँ पे मैं कौन से सेंटर की बात कर रही हूँ ये जिसने डेवलप किया है स्पुटनिक वैक्सीन को द गमालिया नेशनल सेंटर ऑफ एपिडेमियोलॉजी ये सेंटर 1891 में शुरू हुआ था एक प्राइवेट लेबॉर्ट्री के तौर पे और फिर देखिए 1949 इसका जो नाम था निकोलाय गमाल जो पाया रहे हैं किसके नाम पे ये शुरू हुआ है रशियन माइक्रोबायोलॉजी स्टडीज़ के वो वहाँ पे साइंटिस्ट आप समझ सकते हैं एक माइक्रोबायोलॉजिस्ट रहे हैं और ये जो सेंटर है एक यूनिक वायरस लाइब्रेरीज जो है वो चलाता है दुनिया की और इसकी खुद की वैक्सीन प्रोडक्शन फैसिलिटी है जिसने इस वैक्सीन को डेवलप किया है तो अगेन वही चीज़ लिखी है किसने डेवलप किया है अब इस वैक्सीन को हम समझने की कोशिश करते हैं कि ये क्या है स्पुटनिक में दो वायरसेस जो हैं वो यूज़ किए जा रहे हैं कॉमन कोल्ड के जिनको एडीनो वायरस कहा जाता है यहाँ पे एक एक वर्ड ध्यान से सुनिएगा क्योंकि इसमें से आपके बहुत सारे प्रिलिम्स के क्वेश्चन निकलेंगे आपके मेंस आंसर राइटिंग के क्वेश्चंस निकलेंगे और इंटरव्यू में डायरेक्टली ये चीज़ें पूछी जा सकती हैं कि आप क्या जानते हैं क्योंकि अब आप आपको पता ही है कोविड एक डेढ़ साल से चल ही रहा है और कितना लोगों की जान जा रही है और अब सेकेंड वेव भी आ चुकी है तो इट्स तो 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 वेरी इंपॉर्टेंट तो याद रखिए स्पुटनिक में दो डिफरेंट वायरस यूज़ किए जा रहे हैं कॉमन कोल्ड के और इनका नाम याद रखना है आपको ये लिखा है एडिनो वायरस ठीक है ह्यूमन्स में कॉमन कोल्ड कॉज करते हैं अब वैक्सीन में यूजली जो बहुत ही कॉन्जरवेटिव टेक्निक है वैक्सीन बनाने की उसमें क्या होता है वीक वायरस जो है वो ह्यूमन बॉडी में इंजेक्ट किया जाता है वीक क्यों क्योंकि अगर आप पूरा वायरस डालेंगे तो बॉडी में तो इन्फेक्शन हो जाएगी इसलिए क्या किया जाता है वीकेंड वायरस एडिनो वायरसेस को यहाँ पे वीक किया जाता है ताकि वो ह्यूमन बॉडी में जाके इन्फेक्शन ना करें रेप्लीकेट ना करें यानी डिवाइड ना हो और डिजीज़ कॉज ना करें ये किसी भी वैक्सीन का एक नॉर्मल सा तरीका है अब दूसरी बात यहाँ पर एडिनो वायरस और स्पुटनिक को लेकर क्या है कि फिर इस ये जो एडिनो वायरस हैं फिर आप सोचेंगे कि एडिनो वायरस कोरोना के खिलाफ प्रोटेक्शन कैसे देंगे नाउ लेट मी एक्सप्लेन इनको मॉडिफाई किया गया है यहाँ पे इनमें एक कोड एक्स्ट्रा ये जो एडिनो वायरस आपके मैंने कहा दो एडीनो वायरस हैं दो शॉट्स क्योंकि इस वैक्सीन की दी जाती हैं तो दोनों बार अलग अलग एडीनो वायरस यूज़ किया जाता है एज अ वेक्टर वेक्टर हो गया कि गाड़ी जिसमें हम एक्चुअल में कोई कोड डाल के भेज रहे हैं ठीक है तो एडीनो वायरस में क्या किया जाता है इसको मॉडिफाई किया गया है थोड़ा चेंज किया गया है इसमें एक सीक्वेंस डाला गया है वो सीक्वेंस किसका है यहाँ पर ध्यान से देखिए कोरोना वायरस स्पाइक प्रोटीन का कोरोना वायरस स्पाइक प्रोटीन ही मेनली वो प्रोटीन uh, रहती है जो पेनिट्रेट करती है ह्यूमन सेल्स में और इन्फेक्शन कॉज करती है तो जब हम इस तरह का कोड कोरोना वायरस के स्पाइक प्रोटीन का कोड एडिनो वायरस में लोड करके भेजेंगे मॉडिफाई करके भेजेंगे तो ह्यूमन बॉडी क्या करेगी एकदम ट्रांसक्रिप्शन होगी प्रोटीन आपका जब कोड कोड जा रहा है तो वो प्रोटीन बनेगी राइट कोड प्रोटीन नहीं होती कोड आप कह सकते हैं डीएनए सीक्वेंस है या सीक्वेंस है, है उससे ट्रांसक्रिप्शन होगी और बॉडी में जाके प्रोटीन बनेगी जब प्रोटीन बनेगी तो ह्यूमन बॉडी के जो गार्ड सेल्स हैं हमारा इम्यून सिस्टम है एकदम समझ जाएगा कोई फॉरेन एलिमेंट आ गया फॉरेन एलिमेंट कोई भी हमारी बॉडी में आता है तो उसके खिलाफ एंटीबॉडीज़ बनती हैं और जब एंटीबॉडीज़ बनेंगी तो हमारी बॉडी रेडी हो जाएगी एक बार के लिए अपने दुश्मन को समझ जाएगी हो सकता है थोड़ी सी माइल्ड इन्फेक्शन हो जाए जिस वजह से लोगों को फीवर आता है क्योंकि बॉडी का रिस्पॉन्स उसके खिलाफ शुरू हो जाता है राइट तो बाद में अगर कोरोना वायरस अटैक करेगा तो बॉडी ऑलरेडी तैयार होगी जो कि वैक्सीन का पर्पज़ रहता है तो यहाँ से यही चीज़ लिखी है डिलीवर्स अ कोड मेकिंग द कोरोना वायरस स्पाइक प्रोटीन दिस एम्स टू इन्श्योर दैट वेन द रियल वायरस ट्राइज टू इन्फेक्ट जब असली वायरस इन्फेक्ट करेगा तो इम्यून रिस्पॉन्स में हमारी एंटीबॉडीज बन जाएंगी राइट right? अब देखिए ये जो वैक्सीन है ये बेस्ड ऑन डीएनए ऑफ सार्स कोविड को ये जो आपका कोरोना वायरस है टू टाइप एडिनो वायरस अ कॉमन कोल्ड वायरस जो मैंने आपको ऑलरेडी बताया इस वैक्सीन को वीक करके छोटे पार्ट्स में भेजा जाता है इम्यून रिस्पॉन्स जैसे मैंने आपको बोला हमारी बॉडी एकदम रिएक्ट करेगी उसको बोलते हैं टेक्निकली इम्यून रिस्पॉन्स जो है वो क्रिएट होगा तो ये वैक्सीन जो है इसको दो डोजेज़ में दिया जाता है क्योंकि 21 डेज़ का गैप यहाँ पे रखा जाता है फर्स्ट शॉट और दूसरे शॉट में वैक्सीन के और इसमें आप कह सकते हैं और इसमें एस एंटीजन होता है न्यू कोरोना वायरस का जैसे मैंने आपको बोला एस एंटीजन मतलब उसका स्पाइक प्रोटीन का जो कोड है अब यहाँ पे एडिनो वायरस दो तरह के यूज़ किए जाते हैं तो यहाँ पे एडिनो वायरस के लिए वर्ड यूज़ किया जाता है वेक्टर क्योंकि इसको एक गाड़ी के तौर पे यूज़ किया जाता है कोड डिलीवर करने के लिए राइट तो अब एडीनो वायरस वैक्टर वैक्सीन के बारे में थोड़ा सा हम और जान लेते हैं एडीनो वायरसेस ए ये डीएनए वायरसेस हैं क्योंकि कई बार बहुत सारे वायरस का जेनेटिक मटेरियल आर भी होता है लेकिन एडीनो वायरस का डी है जिसका साइज सेवेंटी टू तो नाइनटी नैनोमीटर्स है इससे बहुत सारी बीमारियाँ ह्यूमन्स में होती हैं ऑलरेडी कोल्ड होती है रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन होती हैं तो एडीनो को यहाँ पे प्रेफर किया जाता है क्योंकि जो इनका डीएनए है वो डबल स्टैंडर्ड है जो उनको जेनेटिकली ज्यादा स्टेबल बनाता है ओके अब जैसे रेबीज़ वैक्सीन जो है वो आपकी एडिनोवायरस वायरस वैक्सीन है लेकिन डेफिनेटली एडिनोवायरस वैक्सीन के कुछ ड्रॉबैक्स रहते हैं क्योंकि हो सकता है ह्यूमंस में ऑलरेडी प्री एग्जिस्टिंग इम्यूनिटी हो इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स ऑलरेडी जनरेट हुए हों और हर इंसान में ये सेम तरीके से रिस्पॉन्स जनरेट ना कर पाए ओके okay. अब यहाँ पे जैसे मैंने आपको बताया कि डिफरेंट वैक्टर्स जो हैं दोनों शॉट्स में यूज़ किए जाते हैं इससे इम्यूनिटी डिफरेंट फैक्टर्स क्यों यूज़ किए जाते हैं इम्यूनिटी लॉन्गर टाइम तक रहती है ओके okay, अब यहाँ पे आप देख सकते हैं ये चीज़ किसने बोली है रशियन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट फंड ने और ये दो शॉट्स यहाँ पे देते हैं अब इंडिया में कौन पार्टनर कर रहा है स्पुटनिक को कौन देख रहा है कि किस तरह से इसका प्र, जो प्रोडक्शन है प्रोडक्शन तो खैर बाहर से लाई जाएगी किस तरह से लोगों को दी जाएगी डॉक्टर रेड्डी लेबॉर्ट्रीज़ जो हैं हैदराबाद बेस्ड उन्होंने गवर्नमेंट से अप्रूवल लिया है कि इस वैक्सीन को इंडिया में यूज़ किया जाए अब आर जो है रशियन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट फंड उन्होंने डॉक्टर रेडी लैब्स के साथ पार्टनरशिप की है 2022 में ही इनके क्लिनिकल ट्रायल्स जो हैं वो कंट्री में शुरू हो गए थे और फिर आपने देखा ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ जो इंडिया हैं उन्होंने सब्जेक्ट एक्सपर्ट कमेटी बिठाई जिन्होंने इस वायरस जिस इस वैक्सीन को अप्रूव कर दिया बाकी पांच और कंपनीज़ हैं जिन्होंने आर के लिए स्पुटनिक uh, के लिए आर से पार्टनर किया है वो आप देख सकते हैं ग्लैंड फार्मा हेट्रोबायोफार्मा वर्को बायोटेक ये कुछ कंपनीज़ के नाम हैं क्योंकि पार्टनरशिप से हम मान सकते हैं कि हमारी जो कैपेसिटी है इंडिया की वो इंक्रीज हो जाएगी लाइक सिक्स मिलियन डोजेज अ ईयर ओके अब इसको स्टोर कैसे करना है ये वैक्सीन माइनस एटीन डिग्री पे स्टोर की जाती है फ्रीज ड्राइड uh, फॉर्म में इसको रखा जाता है और इसको दो से आठ डिग्री सेल्सियस पे भी हम फ्रीज ड्राइड फॉर्म में रख सकते हैं कन्वेंशनल रेफ्रिजरेटर में भी जिसमें आपको बहुत ज़्यादा कोल्ड चेन इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्चा करने की ज़रूरत नहीं है और स्पुटनिक ऑलमोस्ट आप देख सकते हैं 55 कंट्रीज़ में अप्रूव किया गया है जिनका पॉपुलेशन टोटली वन पॉइंट फाइव बिलियन लोग लगा दीजिए ऐसा आर डी ने बोला है और प्राइस जो है इसका दस डॉलर से भी कम पर शॉट जो है वो रखा गया है अब देखिए इस वैक्सीन को जब ये बनाई गई थी काफ़ी क्रिटिसिज्म के अंदर आई थी क्रिटिसिज्म के अंदर क्यों आई थी क्योंकि वैक्सीन डेवलप करने का मार्केट में आने का एक तरीका होता है आप पहले अप्रूवल मिल रहा है फिर आपके क्लिनिकल ट्रायल्स हो रहे हैं क्लिनिकल ट्रायल्स में आपके तीन फेसेस हैं लेकिन वेस्टर्न uh, साइंटिस्ट का कहना था कि रशिया ने बहुत जल्दी ये वैक्सीन जो है वो प्रोड्यूस कर दी है कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं है सो वी डोंट नो वेदर इट इज़ इफ़ेक्टिव और नॉट राइट तो इसकी एफ़िकेसी पे थोड़ा शक किया जा रहा था लेकिन लैंडट जो जर्नल है उसने देखा कि इसकी एफ़िकेसी जो है वो 91.6 परसेंट है और इंडिया में भी डॉक्टर रेड्डी ने जो ब्रिजिंग स्टडी कंडक्ट की इसको पढ़ने के लिए तो उन्होंने बोला कि ठीक है दे आर राइट कि इसकी एफ़िकेसी इतनी है इसको अप्रूव किया जाए अब एक प्रोफेसर आइन जोन्स हैं यूनिवर्सिटी ऑफ रीडिंग के आ, ये प्रोफेसर जो हैं ये इन्वॉल्व नहीं थे स्टडी में लेकिन लैंड पे पढ़ने के बाद ये लैंड में इन्होंने लिखा कि ठीक है स्पुटनिक वी वैक्सीन जो है इसको क्रिटिसाइज़ किया गया कि बहुत जल्दी में बनाई गई है लेकिन जिस तरह की रिपोर्ट्स पब्लिश की गई हैं अगर उनको पढ़ो तो लगता है कि दिस वैक्सीन इज़ गुड इसकी एफ़िकेसी है और इससे रिड्यूस हो सकते हैं कोविड नाइन्टीन के केसेस ओके okay? और उसके बाद उसके ट्रायल्स जो हैं वो शुरू हो गए और स्टडी में ये भी देखा गया कि इससे कोई खास जो रिएक्शंस हैं एलर्जीज हैं वो भी नहीं हो रही तो अभी तक हम बात कर रहे थे स्पुटनिक वी वैक्सीन की कि किस तरीके से ये इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट करती है तो इन शॉर्ट में फिर से बता देती हूँ दो एडीनो वायरस एज वैक्टर यूज़ किए जाते हैं वैक्टर यानी गाड़ी जिसमें कोड डाला जाता है कोड का मतलब है जो एस एंटीजन है या फिर स्पाइक प्रोटीन है अभी वाले कोरोना वायरस की उसका कोड डाला जाता है जब उसका कोड डाला जाएगा बॉडी रिएक्ट करेगी कि कोई फॉरन मटीरियल आया है इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट होगा और वो वीकेंड वायरस हैं ताकि वो इन्फेक्शन कॉज ना करें अगर इन्फेक्शन हो भी सकती है किसी को तो माइल्ड इन्फेक्शन होगी बट बॉडी जो है वो आपकी रेडी हो जाएगी अगले अटैक के लिए कि अगली बार जब रियल वायरस आएगा तो योर बॉडी विल बी रेडी टू तो फाइट अगेंस्ट दैट वायरस अब वा, जो वैक्सीन है इसको डेवलप कैसे किया जाता है जनरल स्टेजेस वैक्सीन डेवलपमेंट की होती है एक्सप्लोरेटरी स्टेज होती है प्री क्लिनिकल स्टेज होती है क्लिनिकल डेवलपमेंट रेगुलेटरी रिव्यू मैन्युफैक्चरिंग क्वालिटी कंट्रोल पहले हम एक्सप्लोर करते हैं कैसे कैसे बनाना है क्लिनिकल स्टेज से पहले वाली लैब ट्रायल्स होंगे फिर आपकी क्लिनिकल डेवलपमेंट होगी जिसमें आपके तीन फेसेस होंगे फिर जो रेगुलेटरी कमेटी होगी वो उसको पास करेगी फिर उसको कैसे मैन्यूफैक्चर करना है और फिर जब मैनुफैक्चर हो गई तो क्या उसकी क्वालिटी सही है ये सब देखा जाता है डेवलपमेंट ऑफ वैक्सीन में अब क्लिनिकल डेवलपमेंट की यहाँ पर बात करते हैं क्योंकि रशिया को क्यों कहा गया कि हेस्ट में में आपने ये बना दिया है इसको तीन फेसेस में डिवाइड किया गया फेस वन फेस टू फेस थ्री और उसके बाद कुछ कंट्रीज में फॉर्मल रेगुलेटरी अप्रूवल चाहिए होता है तो फेस वन में क्लिनिकल स्टडीज होती हैं इनिशियल टेस्टिंग वैक्सीन की होती है स्मॉल नंबर्स में जैसे दस बीस लोग लिए जाते हैं हेल्दी एडल्ट्स लिए जाते हैं जिनमें वैक्सीन की प्रॉपर्टीज जो हैं जो चेक की जाती हैं टॉलरेबिलिटी चेक की जाती है मतलब जो भी चीज़ें सेफ्टी से कंसर्न है उनको क्लिनिक फेस ट्रायल वन में फेस वन में चेक किया जाता है फेस टू में क्या होगा पहले हमने बीस लोग लिए अब पॉपुलेशन जो है वो ज़्यादा की जाती है सब्जेक्ट्स जो है वो ज़्यादा किए जाते हैं जो हमारी प्रिलिमिनरी प्रीलिमिनरी इंफॉर्मेशन है जो हमें फेस वन से मिली है उसको चेक किया जाता है कि क्या डिज़ायर्ड इफेक्ट आ रहा है टारगेट पॉपुलेशन में सेफ्टी बनी रह रही है ठीक है फेस टू हो गए तो फिर आपके फेस थ्री ट्रायल्स किए जाते हैं जिसमें पॉपुलेशन सब्जेक्ट्स जो है वो और इंक्रीज़ किया जाता है प्रोटेक्टिव एफिकेसी देखी जाती है सेफ्टी इसकी और फुली पूरे तरीके से एसेस की जाती है तो फेस ये जो क्लिनिकल फेस थ्री है ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहता है क्योंकि इस पर डिपेंड करता है कि आपको लाइसेंस मिलेगा इसको मार्केट करने का या नहीं राइट और मैनी वैक्सीन्स फेस फोर में भी जाती हैं कि ऑन गोइंग स्टडीज़ उस पर चलती रहती हैं कि लाइसेंस मिल गया अप्रूवल मिल गया अब उसके क्या इफ़ेक्ट्स हो रहे हैं जब लार्जर बिल्कुल सब लोगों को वैक्सीन मिलने लग गई है तो आप देख सकते हैं कि काफ़ी लंबा प्रोसेस ये रहता है ऐसे एक दिन में रिजल्ट्स नहीं आ जाते रिज़ल्ट सब्जेक्ट्स जो होते हैं उनको मॉनिटर करना पड़ता है तो उसके बाद ही वैक्सीन जो है वो मार्केट में आती है लेकिन करोना वायरस के चक्कर में हमने देखा कि काफ़ी कंट्रीज़ ने जल्दी में इनको लॉन्च किया कुछ ही ट्रायल्स के बाद एफ़िशंसी उनकी देखी गई स्मॉलर पॉपुलेशन में बट लेट्स सी कि लॉन्ग टर्म रिजल्ट्स इन सब वैक्सीन के कैसे रहते हैं उसके बारे में तो अभी कोई भी नहीं बता सकता तो यही था आज का हमारा लेक्चर जहाँ पे हमने वैक्सीन के बारे में पढ़ा रशिया के द्वारा बनाई हुई किस तरह से कोरोना के वायरस के खिलाफ ये लड़ेगी प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगी आई होप दिस इज़ क्लियर टू यू कोई भी क्वेरी हो खैर आप उससे बात कर ही सकते हैं बाकी आप हमारी कोर्सेज के लिए हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं सारी जानकारी आपको कोर्सेज से रिलेटेड वहीं मिलेगी थैंक यू सो मच